एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस के ऊपर होगा। मींस किसी भी वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस के अंदर वाइब्रेशन किस टाइप से होती है इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मोनोएटॉमिक लैटिस। इसका मतलब क्या है? तो मोनो का मतलब होता है सेम, मतलब ऐसा लैटिस जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक लैटिस बोलेंगे। अब हमने बोला सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हो तो उस लैटिस के अंदर जितने भी एटम होंगे सबका मास सेम होगा। तो हमने सबसे पहले यही सपोज कर लिया कि हमारे पास एक वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस है। मान लिया ये हमारे पास किसी भी वन डायमेंशन लैटिस के ये हमने एटम मान लिया और ये जितने भी एटम होंगे इन सब एटम का मास क्या होगा? एम मास होगा, क्योंकि लैटिस कैसा है अपने पास? मोनोएटॉमिक लैटिस है। अब ये जो लैटिस है, ये जो एटम है, ये एटम एक दूसरे के साथ मासलेस स्प्रिंग से कुछ इस टाइप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन दो एटम के बीच की जो स्पेसिंग है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, वो क्या है? सबकी ए है। और ये ए स्पेसिंग कब है? जब ये वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस किसमें है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये सब एटम, तब इसकी जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो हमने यहाँ पे ए ले रखी है और सबके बीच की जो स्पेसिंग है वो ए होगी। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो लैटिस है ये वाइब्रेट किस टाइप से करेगा, किस रीजन से ये लैटिस यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा? तो बेसिकली दो टाइप से ये लैटिस यहाँ पे वाइब्रेट कर सकता है, दो कारणों से वाइब्रेट कर सकता है। फर्स्ट जो रीजन है वो ये हो सकता है कि इस लैटिस के पास अपनी खुद की एक इंटरनल एनर्जी हो, उस इंटरनल एनर्जी के कारण क्या होगा, ये जो लैटिस है, ये जो एटम है, वो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड ये हो सकता है कि मैं बाहर से इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसके जो एटम है वो पीरियोडिक मोशन में आ जाए या फिर वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर वाइब्रेशन किस टाइप से प्रोड्यूस होगी, कौन से एक्सिस में इसके एटम वाइब्रेट करेंगे? तो हमने ये जो लैटिस लिया है वो एक्स डायरेक्शन में इसकी अरेंजमेंट ली है, तो यहां पे एटम की जो वाइब्रेशन होगी वो क्या होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग ही यहां पे इसकी वाइब्रेशन होगी, ठीक है। तो ये सब हमने यहां पे लिया है। अब एक पॉइंट और रहता है यहां पे, अब हमने दो एटम के बीच में एक स्प्रिंग कंसीडर किया है, तो जैसे ही हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो कभी स्प्रिंग एक्सपेंड करेगा, कभी कंप्रेस करेगा, कभी एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्प्रिंग के ऊपर या स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है हमारे पास? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम, और कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है एफ इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिया बीटा एक्स। बीटा क्या है? यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ये सब आपने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम इस डिस्प्लेसमेंट, ये जो एटम है इन एटम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब हम बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल के इस x के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? वहां से फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कंसीडर वन डायमेंशन चैन ऑफ एटम, तो हमने यहाँ पे वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस लिया है और उस जितने भी उस लैटिस के एटम होंगे सबका मास हमने यहाँ पे m ले लिया। उसके बाद एंड इट्स अटैच टू अदर एटम, अब ये जो एटम है वो क्या हो रखे हैं? एक दूसरे से अटैच हो रखे हैं, किससे? एक मासलेस स्प्रिंग से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एटम आर प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस विद इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज ए, तो जब एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे तो इन एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे क्या ले रखी थी? ए ले रखी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द वाइब्रेशन मोशन ऑफ एटम अलोंग इन एक्स एक्सिस, मतलब जो एटम की वाइब्रेशन होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ इस टाइप से होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द एटम विल एग्जीक्यूट पीरियोडिक मोशन, जब उस लैटिस के ऊपर हम बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे या इंटरनल एनर्जी के कारण एटम के ऊपर क्या लगेगा? कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो वो एटम क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू करेंगे या उन एटम के अंदर कुछ पीरियोडिक मोशन होगा अबाउट देयर इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो एटम को ऑक्सीलेट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड बिकम सोर्स ऑफ इलास्टिक वेव विच प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी लैटिस के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे क्या होता है? साउंड वेव प्रोड्यूस होती है या फिर वहाँ पे इलास्टिक वेव प्रोड्यूस होती है, और उस इलास्टिक वेव का जो क्वांटा होता है वो होता है फोनोन। जैसे लाइट का क्वांटा क्या होता है? लाइट का क्वांटा होता है अपने पास फोटोन, वैसे ही किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, उस कोई इलास्टिक वेव प्रोड्यूस होती है, उस इलास्टिक वेव का क्वांटा होता है अपने पास फोनोन। अगर आप फोनोन के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस टाइप का पार्टिकल होता है, इसका मास कितना होता है, तो इसके ऊपर हमने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कर सकते हैं फोनोन बाय कॉन्स्टेंट पागल, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो एटम है जब ये क्या करें? वाइब्रेट करेंगे तो ये वाला जो एटम है ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, और ये वाला एटम है वो इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा। अब यहाँ पे इंटरेक्शन कौन कौन सी होगी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुलम्बियन इंटरेक्शन भी होगी, पर कुलम्बियन इंटरेक्शन को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। कुलम्बियन इंटरेक्शन कैसे होगी? ये एटम है अपने पास, ये एटम है, इस एटम पे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव मिलेगा, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कुछ अट्रैक्शन का फोर्स होगा, कुछ रिपल्शन का फोर्स होगा, तो यहाँ पे कुलम्बियन इंटरेक्शन होगी, पर उस कुलम्बियन इंटरेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये लेके चलते हैं जो एटम है वो ओनली ऑन नियरेस्ट एटम के साथ इंटरेक्शन करेगा। जैसे ये एटम वन है तो ये एटम टू के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये एटम वन यहाँ पे जो माइनस वन एटम है इसके साथ भी ये यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, लेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन एटम
बी मेनली ड्यू टू नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन। तो अब जो एटम है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस इन द सेंस ये जो एटम है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये अपनी मेन पोजीशन पे ऑक्सीलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, वो किसके कारण करेगा, वो इस एटम की एटम वन की इंटरेक्शन के कारण एटम टू यहाँ पे वाइब्रेट करेगा या इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और दूसरा इस एटम के कारण इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे एक लैटिस कंसीडर कर लेते हैं, वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस, और उस वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस में उन एटम की पोजीशन क्या होगी, वो किस टाइप से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये सब हम जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस कंसीडर कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे उस लैटिस के एटम मान लिए, और इन एटम के बीच में फिर से हम एक मासलेस स्प्रिंग यहाँ पे हमने अटैच कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इनकी जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो फिर से हम यहाँ पे ए लेके चलेंगे, सबका मास यहाँ पे एम होगा कुछ इस टाइप से। तो अब अपने पास ये वाला जो एटम है इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने मान लिया ये हमारे पास nth एटम है, ये है अपने पास nth एटम। अब nth से आगे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा n प्लस वन एटम, और ये हो जाएगा n माइनस टू एस n प्लस टू एटम। अब n से पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन nth एटम और n माइनस टू एटम, ठीक है। अब अगर मैं इस nth एटम की पोजीशन बताऊं तो इस nth एटम की पोजीशन क्या हो जाएगी, इस nth एटम की पोजीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं n, इसकी पोजीशन हो जाएगी। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन हम लेके चलेंगे n माइनस वन और a इनके बीच के इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, और इस एटम की जो पोजीशन हो जाएगी वो n माइनस टू और a इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अब इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन a एटम और ये हो जाएगा n प्लस टू a एटम। तो जैसे ही इनके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये जो एटम है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास जो nth एटम है उस nth एटम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हम लेके चल रहे हैं, इस nth एटम के अंदर डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने मान लिया इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा यू एन, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमने मान लिया यू एन प्लस वन, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमने मान लिया यू एन प्लस टू। अगर इसके इस एटम के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या ले लेते हैं हम यू एन माइनस वन, और इस एटम के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यू एन माइनस टू, ये हमने इनका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये एटम हमने यहाँ पे मान लिए। तो अब ये सब जो वाइब्रेशन करेंगे, तो वाइब्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने माइनस बीटा एक्स, और बीटा क्या लिया था हमने यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट लिया था, करना क्या है यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस एनथ एटम का वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, पुट करने के बाद हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे। तो अब अगला काम क्या होगा, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब अगर हम यहाँ पे इंटरेक्शन की बात करें तो ये एटम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये वाला जो एटम है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे इंटरेक्शन कुछ किस टाइप से होगी ये हम पता कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे करने के वाले हैं, ये जो nth एटम है इस nth एटम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, उस रिजल्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, nth एटम इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और इसकी इंटरेक्शन इसके साथ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू n प्लस वन एटम, मतलब ये जो nth एटम है ये इसके कारण कितनी इंटरेक्शन हो रही है, इसके कारण इस nth एटम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये निकाल लेते हैं। तो इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हमने क्या मान लिया, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया यहाँ पे x n प्लस वन, और इसका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यू एन माइनस वन, एक सेकंड में लिख लेता हूँ उसके बाद बता दूंगा, यहाँ पे यू एन ये आ जाएगी। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट था एन प्लस वन एटम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिया हमने एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दिया किसको, एनथ एटम को उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अब ये एटम इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है तो इसका जो इंटरेक्शन है वो इसके अंदर से माइनस कर देंगे और उसका रिजल्टेंट ले लेंगे। तो ये तो आगे हमारे पास nth n प्लस वन के लिए, अगर हम यहाँ पे निकालें n माइनस वन के लिए, n माइनस वन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x n माइनस वन, और अब यहाँ पे ये क्या था, ये ज़्यादा था तो ज़्यादा में से हम कम माइनस किया था। अब इसका इंटरेक्शन इसके साथ देख रहे हैं तो ज़्यादा कौन सा, यू एन यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यू एन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका nth एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यू एन है, इस nth एटम के डिस्प्लेसमेंट में से इसका डिस्प्लेसमेंट हम माइनस कर देंगे, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमने क्या ले रखा है यहाँ पे यू एन माइनस यू n माइनस वन, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर टू और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थ्री, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। अब ये जो तो इक्वेशन है टू और थ्री, अब हम यहां पे इन दोनों का लेंगे रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट किस टाइप से होगा इनका, रिजल्टेंट हो जाएगा x इक्वल टू हम यहाँ पे एक्स एन माइनस वन, और इसमें से माइनस कर देंगे, इस एक्स एन माइनस वन में से ये वाली जो टर्म है वो माइनस कर देंगे एक्स एन प्लस वन, तो ये वाली अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट। अब एक्स एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, और एक्स एन प्लस वन की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद हम लिखेंगे अगले सेक्शन के अंदर, तो ये इनका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हमने किया क्या है, हमने किया ये है, यहाँ पे जो हम nth एटम का जो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, तो वो आएगा ये एटम नंबर हमारे पास, इसको हमने बोल दिया एटम नंबर वन, इसको बोल दिया एटम नंबर टू, और इसको बोल दिया माइनस एटम टू, ठीक है। तो इस टू और माइनस टू का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एक का जो एटम वन है उसका रिजल्टेंट बोलेंगे। तो हमने एक्स एन प्लस वन की वैल्यू, ये यहाँ पे प्लस आएगा,
ठीक है, जो n प्लस वन की वैल्यू वो यहाँ पे निकाली, टू n इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे यू एन है, ये भी यहाँ पे यू एन है, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू टू यू एन माइनस यू एन माइनस वन और माइनस यू एन प्लस वन, ये वाली अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर, इक्वेशन नंबर वन क्या थी अपने पास, f इक्वल टू माइनस बीटा x, x की वैल्यू हमने निकाली, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी f इक्वल टू माइनस बीटा टू यू एन माइनस यू एन माइनस वन और माइनस यू एन प्लस वन, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है हमारे पास, ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए को लिख सकते हैं डी स्क्वेयर यू बाय डी टी स्क्वेयर, यू क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ए आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास। अब इस एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, तो एम डी स्क्वेयर यू बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बीटा ब्रैकेट टू यू एन माइनस यू एन माइनस वन और यह आ जाएगा माइनस यू एन प्लस वन, ये वाली इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। अब इस m को उठा के इस तरफ लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यह आ जाएगा डी स्क्वेयर यू बाय डी टी स्क्वेयर और माइनस बीटा, ये m इस डिवाइड में आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा अपने पास टू यू एन माइनस यू एन माइनस वन माइनस यू एन प्लस वन, ये वाली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आई है अपने पास, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यहाँ पे प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलेंगे। अब इसका प्लेन वेव सॉल्यूशन क्या होगा, तो प्लेन वेव सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है अपने पास, ये होता है यू एन इक्वल टू यू, या फिर हम हाँ ठीक है यू ले सकते हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल और आयटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो जाएगा प्लेन वेव, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का प्लेन वेव सॉल्यूशन। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहें, मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यू हमने कांस्टेंट लिया है, इस कांस्टेंट की जगह हम ए ले लेते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल जो ई की पावर है उसमें लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा यू एन इक्वल टू ए ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास प्लेन वेव सॉल्यूशन। अब ये जो एक्स है, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पोजिशन को, और पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या होगी अपने पास, हमें किस किस की पोजीशन चाहिए, एक तो हमें यूएन की पोजीशन चाहिए, जो यूएन एटम है या जो एनएथ एटम है, इस एनएथ एटम की पोजीशन क्या है अपने पास, एनए है, तो अगर हम यहाँ पे एनएथ एटम का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एनएथ एटम के लिए प्लेन वेव सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इस एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, एनए लिख देंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा यूएन इक्वल टू ए ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के एज इट इज, और एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, फर्स्ट एटम की पोजीशन, ये है एनए। ठीक है, सेम एज इट इज हमने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पे यू एन की वैल्यू निकाली, अब हम किसकी निकालेंगे, यू एन माइनस वन की निकालेंगे, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है उस पोजीशन एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एन माइनस वन पुट कर देंगे, और इसके लिए निकालेंगे तो एन प्लस वन पुट कर देंगे, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ जाएगी, वो तीनों की वैल्यू फिर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो हमने इस इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर फाइव, और ये जो सॉल्यूशन वाली है इक्वेशन नंबर सिक्स, और ये जो यू एन की वैल्यू निकाली इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेवन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो एक्स है, इस एक्स की जगह एन माइनस वन पुट करेंगे, ठीक है, वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, एन प्लस वन पुट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये सब हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फाइव लिखी, सबकी अलग अलग वैल्यू पुट की, जो मास्टर इक्वेशन है अपने पास, जो प्लेन वेव सॉल्यूशन हमने लिया है, यहाँ पे एक्स की जगह एक बार क्या पुट किया, एन माइनस वन पुट किया, तो यू एन माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह हम एन प्लस वन पुट करेंगे तो यू एन प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये सब वैल्यू यहाँ पे निकाल के लिख दी है, जैसे हमने एक्स के लिए निकाली थी वैसे ही हमने इनके लिए निकाल दी, जो फर्स्ट एटम के लिए निकाली थी एक्स की जगह क्या पुट किया था, एन ए, अब एक्स की जगह यू एन माइनस वन पुट करेंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो तीनों इक्वेशन है ए बी सी, इन तीनों इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फाइव के अंदर, तो फाइव के अंदर पुट करेंगे तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्या है, डी स्क्वेयर यू बाय डी टी स्क्वेयर, तो u की वैल्यू क्या है अपने पास, un की वैल्यू ये है अपने पास। अब ये जो un की वैल्यू है इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करके हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये यहां पे un आएगा। ठीक है, तो un की वैल्यू ये है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, t के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां पे t की टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास डबल डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, ये हम लिखेंगे t स्क्वायर u / un / dt स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास, पावर आगे आएगी पहले ए ऐसे कैसे आईटा स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर और ई की पावर आईटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। आई होप आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा। ये तो हमने वैल्यू निकाली किसकी, ये वैल्यू निकाली हमने डी स्क्वेयर यू एन बाई डी टी स्क्वेयर, किसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सिक्स। अब ये इक्वेशन नंबर सिक्स कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फाइव में पुट करेंगे। सेकंड, ये जो यू एन की वैल्यू निकाली है, यू एन की वैल्यू भी यहाँ पे पुट की जाएगी, यू एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, यू एन माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, तो ये सब वैल्यू हम आगे पुट करके लिख देते हैं। तो
तो ये सब की सब वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 6 एबीसी 5 में पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। ये इक्वेशन है यहां तक, ठीक है। हमने क्या किया, जो अपने पास ये जो माइनस का साइन है, यहां पे ये जो माइनस का साइन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कर रखी है यूएन प्लस 2 की, इसको सबसे आगे लिख रखा है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर रखी यूएन प्लस 1 की, यहां पे हमने वैल्यू पुट की, यहां पे ये यूएन माइनस 1 की वैल्यू पुट कर रखी है, यहां पे एन की वैल्यू पुट कर रखी यूएन की वैल्यू। वैल्यू पुट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पे जो आइटा स्क्वायर है, इस आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, ठीक है। और ये जो तीनों टर्म है, इन तीनों टर्म में से एक टर्म कॉमन आ रही है, कॉमन क्या रहा है, ए की पावर आइटा ओमेगा माइनस के एन, ए तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी, इसमें से भी, और इसमें से भी कॉमन निकाल लिया। जो बची हुई टर्म है वो हमने यहां पे लिख दी। अब जो कॉमन टर्म निकाली, हर इक्वल टू के साइड से ये वाली टर्म है, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, बची हुई टर्म हमने यहां पे लिख दी, ठीक है। एक तो बीटा बाय एम बचेगा, बीटा बाय एम हमने यहाँ पे लिख दिया, और एक ये वाली जो टर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो टर्म बची है, ये वाली जो टर्म बची, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2 कोस के आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ पे लिख रखा है, तो अपने पास क्या था, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा बाय एम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद ये वाली टर्म आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 हम यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब ये जो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो माइनस 12 आएगा उस माइनस को इसके साथ कैंसिल कर देंगे, बाकी बची हुई टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये वाली जो 1 माइनस कोस के है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अपने को क्या देगा, 2 साइन स्क्वायर के ए बाय 2 देगा, और ये बीटा बाय 2, हाँ 2 बीटा बाय एम, यहाँ पे एज इट इज 2 बाहर निकाल लिया तो क्या जाएगा, यहाँ पे 4 बीटा बाय एम साइन स्क्वायर के ए बाय 2, ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये जो ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएगा, मतलब कंप्लीट पावर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसको लिखना चाहूं तो रूट में भी लिख सकता हूं, रूट में क्या जाएगा, 4 बीटा बाय एम, और साइन स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन के ए बाय 2 आ जाएगा। अब ये वाले जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, ये इक्वेशन नंबर 4 अपने को क्या बताती है, ये बताती है ओमेगा और ये जो के है रिलेशन, ओमेगा और के के बीच में ये रिलेशन बताती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं डिस्पर्जन रिलेशन फॉर मोनोएटॉमिक लैटिस, ठीक है। तो ये अपने पास एक मेन इक्वेशन आती है जो ओमेगा और के बीच में रिलेशन बताती है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस भी होंगे, जो फर्स्ट केस होगा वो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी में जब हम के की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, 2π/λ लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे क्या है, जो के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। अगर के की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो ये जो केस 1 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाई वेवलेंथ केस भी बोल सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी केस भी हम इसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लेके चलेंगे, अगर हमारे पास ये जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइन के ए बाय 2, ये वाली टर्म है। अगर यहाँ पे के की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल, तो यहाँ पे ये जो ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट ये इक्वल आ जाएगी, के ए बाय 2 के ये इक्वल आ जाएगी। अब साइन के ए बाय 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, के ए बाय 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू रूट 4 बीटा बाय एम के ए बाय 2, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के ए रूट बीटा बाय एम, ये वाली बीटा बाय एम, ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या है, ओमेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो ओमेगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, के के, मतलब जो लो हाई फ्रीक्वेंसी, जो हाई वेवलेंथ का केस है उसमें जो ओमेगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा के के। अब अगर हम यहाँ पे मोनोएटॉमिक लैटिस की ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी निकालें, तो ग्रुप वेलोसिटी को हम किसे लिखते हैं, वीपी से लिखते हैं, सॉरी वीजी से लिखेंगे, हम ग्रुप वेलोसिटी को वीजी से लिखेंगे, और जो फेज वेलोसिटी उसको किसे लिखेंगे, वीपी से लिखेंगे। तो किसी भी मोनोएटॉमिक लैटिस की किस केस में, हाई लो फ्रीक्वेंसी केस में, जो ग्रुप वेलोसिटी और जो फेज वेलोसिटी वो एक दूसरे के इक्वल आएंगी। अब जो नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में आ जाएगा अपने पास फॉर हाई फ्रीक्वेंसी बोले तो लो वेवलेंथ के ऊपर निकालेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये निकाली थी रूट 4 बीटा बाय एम साइन के ए बाय 2, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 रूट बीटा बाय एम साइन के ए बाय 2, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब ये जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो ग्रुप वेलोसिटी का जो अपने पास रिलेशन होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है वी जी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। ओमेगा की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है, ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वी जी की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, वी जी की वैल्यू आ जाएगी ए रूट बीटा बाय एम कॉस के ए बाय 2, ये वाली अपने को वी जी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ये आ गई अपने पास ग्रुप वेलोसिटी। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम और बनेगा, जो आपको एग्जाम में बनाने के आना है, वो डायग्राम कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू होगी 0 से लेके ओमेगा मैक्स तक क्या होगी, यहाँ तक इसकी ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, फर्स्ट बीजेट, मतलब फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनेगा, सेकंड ब्रिलियन जोन बनेगा, और थर्ड ब्रिलियन जोन बनेगा। अब ये जो ब्रिलियन जोन बन रहा है, इस ब्रिलियन जोन को क्या बोलते हैं, ब्रिलियन जोन वो बाउंड्री होती है जहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिलियन जोन बोलते हैं। तो ये था अपने पास मोनोएटॉमिक लैटिस के अंदर वाइब्रेशन किस टाइप से होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, थैंक यू।